नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिषेक। और आज हम बात कर रहे हैं नंबर 8 की। अब तक हमने 7 नंबरों की बात कर चुके हैं हम, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं अपने 8 नंबर की। 8 नंबर वालों का स्वामी ग्रह शनि है। जिन लोगों का जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है वह सभी नंबर 8 के अंदर आते हैं। प्राय देखा जाता है कि जिन लोगों का शनि से संबंध होता है, लोग उनको गलत धारणाओं से देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके लाइफ में ऑन एंड ऑफ होता है, ऐसा नहीं है कि इनका आधी लाइफ जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, आधी लाइफ इनकी बुरी रहती है। इनके सारे दिन एक से नहीं होते, और वो सभी के नहीं होते, सारे नंबर्स के नहीं होते। तो जो गलत धारणाएं इनके प्रति बनाई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ये व्यक्ति सेल्फ डिटरमिनेंट वाले पर्सन होते हैं, और इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। ये लोग अपने इमोशंस को कभी भी व्यक्त नहीं करते। अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो ये जाके चुपचाप उसकी हेल्प कर देंगे। ये प्रोपोगंडा में विश्वास नहीं करते। ये नहीं कह आपसे कहेंगे कि आप जाकर उनको बताइए कि आप कि उसने फलाने ने मेरी मदद की और मेरा बड़ा एहसान है। ये उस टाइप की पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करते। अगर ये रिलीजियस हो जाते हैं, अगर इनका दिमाग रिलीजियस थिंग्स में चला गया तो ये बहुत ही आगे तक रिलीजियस हो जाते हैं, और अगर बिल्कुल दिमाग नहीं है रिलीजियस में तो बिल्कुल ही नास्तिक हो जाते हैं। ये काम जो भी लेते हैं उसका कितना ही विरोध क्यों ना हो, अगर इन्होंने मन में ये बात बना ली कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम ये करके रहते हैं। उसको रोकने वाला इनकी लाइफ में कोई नहीं होता। प्राय यही देखा जाता है, या तो ये बहुत ज़्यादा सफल होंगे या बिल्कुल ही असफल होंगे। बीच का मार्ग इनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होता। मिडिल का मार्ग इनकी लाइफ में बिल्कुल किसी तरह से देखा नहीं जाता। इसी कारण से कई बार ये अकेला महसूस करते हैं। और वैसे भी शनि का नंबर है तो एकांत प्रिय रहेंगे, ज़्यादा शोर शराबा इन्हें पसंद नहीं होगा। एक चीज़ और इनकी लाइफ में देखी जाती है कि समय पर कोई काम नहीं कर पाते हैं ये। अगर कुंडली में शनि अच्छा है या हाथ में शनि अच्छा है तो न्यायप्रिय होंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर शनि ख़राब है तो हर हालत में आपके कामों में डिले कराएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन देंगे। तो जैसे मैंने बोला आपको कि इनकी लाइफ में मिडिल स्टेज नहीं होती, ऑन और या ऑफ, या तो बहुत अच्छे या बहुत बुरे। और इनको सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा कदर होती है। ईगोइस्टिक थोड़े होते हैं ये लोग। इनको अपना स्वाभिमान, इनको होता है कि मेरे स्वाभिमान को ठेस ना लगे। इसी वजह से कई बार जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वहाँ पर ये लोग, देखा गया है कि वहाँ पर ये लोग उतनी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, जबकि ये चाहते हैं अंदर से हैं कि चीज़ें सही हों, लेकिन इनका जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन्हें थोड़ा सा उस बात पर ध्यान देना चाहिए। इनके लिए गहरे भूरा रंग, काला रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग शुभ माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सारे रंग्स इनके लिए ठीक हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इनके लिए नहीं है। इनके लिए शनिवार का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर ये शनि से रिलेटेड कुछ दान करें या शनि मंदिर में जाएं और वहाँ पर दिया जलाएं और मीठा जल अगर ये शनिवार में पीपल में दें, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनकी शनि की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शांत होती हैं। तो ये जो शनि का अवलोकन है ये एक जनरल अवलोकन है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग भी आपका करें, आपका अवलोकन करें और आपकी व्याख्या करें कि आपकी कुंडली और आपका पाम क्या कह रहा है, तो आप हमारे को स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है bhatnagarabhi2411@gmail.com, और मेरा नंबर है व्हाट्सएप 9411848508, 9962382253, 9962382253। ये दीप्ति शर्मा का नंबर है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन करने से पहले एक बार हमसे व्हाट्सएप पे पहले अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद हमें बात से हम से हाँ हमसे बात करें। और
हमारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं। और एक बात और यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो भी पर्सनल एनालिसिस हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग फीस लेते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।